क्लास 12 का यानी 12th का आप नया चैप्टर दे रहे हैं रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविता। एक चीज़ जान लीजिए आप लोग कि रेडियो एक्टिविटी की खोज यानी ये गुण है जो किसी विशेष पदार्थों में होता है, खोज 1896 ईस्वी में वैज्ञानिक हेनरी बेकुरल ने की थी। ठीक है, इन्होंने क्या देखा कि यूरेनियम सॉल्ट, पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट यानी यूरेनियम से बना हुआ लवण, जो आपका पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट को जब फोटोग्राफी प्लेट में जब लपेट दिया, लपेटने के बाद उन्होंने देखा कि फोटोग्राफी प्लेट काली पड़ गई। तो काली पड़ गई तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि जो यूरेनियम यूरेनिल सल्फेट है उसमें कोई ऐसा तत्व का परमाणु है जो स्वतः ही किरणों का उत्सर्जन करता है, और उससे उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। हेनरी बेकुरल को 1903 ईस्वी में इसी बात के लिए यानी रेडियो एक्टिविटी के बारे में के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। दूसरी बात, हेनरी बेकुरल ने देखा कि जो इससे अदृश्य किरणें निकलती हैं जो फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित कर रही थीं, उसे उन्होंने बेकुरल किरण का नाम दिया। यानी हेकुरन हेनरी बेकुरल ने बताया कि प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वतः ही अदृश्य किरणें का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते रहते हैं, और इन किरणों को जो फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं उन्हें हम बेकुरल किरण कहते हैं। यानी बेकुरल किरण की परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि प्रकृति में पाया जाने वाला कुछ ऐसा पदार्थ जो स्वतः ही अदृश्य किरणों को उत्सर्जित करती हैं या उनसे अदृश्य किरणें निकलती हैं जो फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित कर सकती हैं, उन्हें बेकुरल किरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अध्ययन शुरू हुआ तो 1898 ईस्वी में मैरी क्यूरी, उनके पति पियरे क्यूरी ने अपना जो है प्रयोग स्टार्ट किया रेडियो एक्टिविता के लिए। तो तत्व की खोज की पोलोनियम की, उन्होंने रेडियो एक्टिव तत्व की खोज पोलोनियम की। इस पोलोनियम में खासियत रही, और पोलोनियम में खोज की जब, तो पोलोनियम जो है यूरेनियम से 300 गुना अधिक सक्रिय था, यानी यूरेनियम से भी ज़्यादा रेडियो एक्टिव तत्व था ये। इसकी खोज की थी पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी थी, मैरी क्यूरी ने, कब की थी 1898 ईस्वी में। ठीक है, तो रेडियम पोलोनियम के अतिरिक्त रेडियम की खोज की इन्होंने। रेडियम की खोज जब इन्होंने की तो यह ये जो रेडियम आया, ठीक है, तो वो जो है यूरेनियम के सापेक्ष 10^6 गुना क्रियाशील था। यानी इसकी सक्रियता किससे, यूरेनियम से 10^6 गुना थी, जबकि पोलोनियम की सक्रियता 300 गुना अधिक थी। इसी बात के लिए जो इनकी खोज थी रेडियम पोलोनियम की, 1903 ईस्वी में क्यूरी दंपति में कई लोग आए, मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, ये लोग आए, तो 1903 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया इसी खोज के लिए, पोलोनियम रेडियम के लिए और रेडियो एक्टिविटी की व्याख्या करने के लिए। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है यानी रेडियो एक्टिविता क्या है, इसकी परिभाषा हम आपको दे रहे हैं। वे पदार्थ जो स्वतः ही अदृश्य किरणें उत्सर्जित करते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, है ना, या तत्व तो कहते हैं, तथा उनके गुण को रेडियो एक्टिविता कहते हैं। उनका जो गुण है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविता कहते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया कि वे पदार्थ जो स्वतः ही अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, तथा उनके इन गुण को जिसके कारण वह अदृश्य किरणें निकाल सकते हैं उसे हम रेडियो एक्टिविता कहते हैं। रेडियो एक्टिविता के शोध कार्य में मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार दिया गया 1911 ईस्वी में। ये 1911 ईस्वी में जो पुरस्कार था उनको दो रूप में दिया गया, रसायन विज्ञान में भी दिया गया और भौतिक विज्ञान में भी दिया गया। यानी ये पहले साइंटिस्ट थे जो मैक्सिमम पुरस्कार पाए रसायन विज्ञान में और भौतिक विज्ञान में भी। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग।
जैसे देखिए, रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, पोलोनियम है, रेडियम है, रेडॉन है, ठीक है। इसमें से पोलोनियम और रेडियम ये खोज मैडम क्यूरी, पेरी क्यूरी ने किया था, ठीक है। तो यूरेनियम का जो सूत्र है 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 236, ये उसके समस्थानिक बोले जाते हैं। थोरियम में भी ऐसा ही होता है, 90 यूरेनियम 234, 90 यूरेनियम 232, पोलोनियम में 84 पोलोनियम 210, रेडियम का 88 रेडियम 228, रेडॉन का 86 222। अगर आप कंप्लीट करें तो ये देखें कि रेडियो एक्टिव रेज थी, रेडियो एक्टिव रेज यानी रेडियो के पदार्थ से जो अदृश्य किरणें निकलती थीं वो आपकी तीन थीं, 1, 2, 3, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। अल्फा किरण जो थी वो धनावेशित कणों से बनी थी, धनावेशित कण से मिलकर बनी थी, बनी होती है। ये जो धनावेशित होते हैं, धनावेशित किरण जो है, धनावेशित कण जो है आपका, जिससे ये बनी है, वो हीलियम परमाणु का नाभिक होता है, नाभिक होता है। यानी सब मिला के आप ये कह सकते हैं कि अल्फा किरण धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। ये अल्फा कण धनावेशित कण 2He4 यानी हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। बीटा कण ये ऋणावेशित कण से बनी होती है, ऋण आवेशित कण से बनी होती है, बनी होती है, ठीक है, जिसे बीटा कण भी कहते हैं। इसमें इसको अल्फा कण भी कहते हैं, अल्फा कण भी कहते हैं, वो जो धनावेशित कण है उसे हम अल्फा कण भी कहते हैं। ये किरणें अल्फा कण से मिलकर बनती हैं, ये ऋणावेशित कण से बनी होती है। ये जो ऋणावेशित कण है बीटा कण, ये गतिशील इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इसको हम दिखाते हैं -1E0 से या -1β0 से, ठीक है। गामा किरण जो थी रेडियोएक्टिव तत्व की एक तीसरी किरण, यह एक उदासीन, उदासीन मतलब चार्जेबल नहीं, उदासीन विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ये आपको याद हो जाएगा, होती है। यह जो किरण है ये 3×10⁸ यानी प्रकाश की चाल से गतिशील होती है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गई बात। फाइनली आपको एक चीज़ हम फोकस करा देते हैं कि रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं उनसे जो अदृश्य किरणें निकलती हैं वो अल्फा किरण है, बीटा किरण है और गामा किरण है। तो ये सब, ये दो चीज़ें आपकी अल्फा कण से बनती हैं और ये बीटा कण से बनती हैं, या इलेक्ट्रॉन से बनती हैं, या हीलियम नाभिक से बनती हैं, हीलियम के नाभिक से बनी होती हैं। तो अल्फा कण धनावेशित कण से बनी होती है, बीटा कण ऋणावेशित कण से बनी होती है और गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा और हम लोग अगर समझते हैं अल्फा बीटा के बारे में, तो अल्फा बीटा के बारे में आप देखिए कि क्या तुलना हम कर सकते हैं, अल्फा बीटा कण के बारे में तुलना हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे अल्फा बीटा के गामा किरण की तुलना देखिए, ये आपकी अल्फा कण हम शो कर रहे हैं, ये हम बीटा कण शो कर रहे हैं और ये हम गामा किरण शो कर रहे हैं। याद रखिएगा ये कण है और ये किरण, ठीक है। देखिए अल्फा कण की जो प्रकृति है वो धनावेशित होती है, बीटा कण की प्रकृति ऋणावेशित होती है और ये गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग होती है या फोटॉन रूप होता है उसका। अल्फा कण का जो आवेश है 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, यानी 1.6×10⁻¹⁹ गुड़े दो आप कर सकते हैं, यानी ये आवेश 3.2×10⁻¹⁹
पॉजिटिव चार्ज का होता है कूलाम्ब में। ये ऋणावेशित है, वो इलेक्ट्रॉन से बनती है, इलेक्ट्रॉन होती है और उसका आवेश ऋण में होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम्ब। ये अनावेशित कण है, इसमें कोई आवेश नहीं होता। इसका विराम द्रव्यमान, अल्फा कण का विराम द्रव्यमान जो होता है वो 6.6 × 10⁻²⁷ kg होता है। ये हाइड्रोजन परमाणु का 4 गुना बड़ा होता है अल्फा कण। और जो बीटा कण है उसका द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, 9.1 × 10⁻³³ kg। और गामा किरण में कोई द्रव्यमान नहीं होता, शून्य द्रव्यमान का होता है। चाल देखिए, चाल अल्फा कण की चाल इन दोनों कण से यानी बीटा और गामा कण से कम होती है। देखिए 1.6 × 10⁷ से 2.2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड होती है। याद रखिएगा इन तीनों किरण में, अल्फा बीटा गामा किरण में सबसे ज़्यादा चाल जो होती है गामा की होती है और सबसे कम चाल होती है अल्फा की, ये सबसे अधिक होती है इसकी, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, अब बीटा कण का देखें जो आपकी चाल है 3×10⁶ और 3×10⁷ के बीच, और इसकी जो है वो प्रकाश की चाल के बराबर, गामा किरण की प्रकाश की चाल के बराबर होती है। भेदन क्षमता, भेदन क्षमता सबसे कम होती है, सबसे कम तीनों किरण में सबसे कम भेदन क्षमता अल्फा किरण की होती है, न्यूनतम। और अल्फा जो बीटा किरण का भेदन क्षमता है वो अल्फा से 100 गुना ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 100 गुना ज़्यादा भेदन क्षमता ही होती है, लेकिन अल्फा कण से 100 गुना अधिक होती है। और जो गामा किरण है उसकी अल्फा कण से 10,000 गुना ज़्यादा और बीटा कण से 100 गुना ज़्यादा ये भेदन क्षमता होती है। आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक अल्फा कण की होती है, आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक अल्फा कण की होती है बीटा और गामा के सापेक्ष, ठीक है। अल्फा कण बीटा कण की जो भेदन क्षमता है अल्फा कण से 1/100 गुना यानी कम, 1/100 गुना कम होती है, और गामा किरण से कितनी होती है 100 गुना अधिक यानी इससे 100 गुना अधिक। और तीनों में भेदन आयनीकरण क्षमता, आयनीकरण जो क्षमता आपकी है सबसे ज़्यादा होगी अल्फा की, सबसे कम होगी इसकी। बीटा की होगी अल्फा से 1/100 गुना और गामा से 100 गुना, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जो आपकी अल्फा किरण है वो विक्षेपित होते हैं, ये भी विक्षेपित होते हैं और ये विक्षेपित नहीं होती, ठीक है। फोटोग्राफी प्लेट को ये प्रभावित करती है, अल्फा से ज़्यादा ये प्रभावित करती है और अल्फा और बीटा से ज़्यादा ये भी प्रभावित करती है, यानी सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली किरण होगी गामा। दूसरी बात, प्रदीप्त सबसे अधिक दिखाती है अल्फा किरण, अल्फा किरण सबसे अधिक प्रदीप्त दिखाती है। जो बीटा किरण की प्रदीप्त क्षमता है वो अल्फा से कम होती है और ये गामा किरण की सबसे कम होती है इन दोनों में, यानी ये अल्फा और बीटा से कम प्रदीप्त दिखाता है, से कम प्रदीप्ति देता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यूरेनियम से अल्फा कण जब भी निकलता है, उत्सर्जन दिखा रहे हैं हम आपको, यूरेनियम से एक अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी दिखाएगा, जिसमें डिफरेंस आपका 2 का आ रहा है और इसमें डिफरेंस 4 का दिखाएगा। लेकिन जब बीटा कण बाहर जाएगा तो वो परमाणु द्रव्यमान संख्या में कोई कमी नहीं दिखाता और उसका द्रव्यमान जो परमाणु क्रमांक है वो 1 बढ़ जाता है, ये दिखा रहे हैं। गामा किरण से कोई चेंजिंग नहीं होती द्रव्यमान संख्या में और परमाणु क्रमांक में। और देखिए उपयोग क्या है इसका, परमाणु संरचना ज्ञात करने में अल्फा किरण का प्रयोग किया जाता है। जैसे रदरफोर्ड ने अपनी जब नाभिक की खोज कर रहे थे तो उस समय क्या किए थे कि सोने की पतली लेकर के उस पर अल्फा कण की बमबारी कराकर नाभिक की खोज की थी, यानी परमाणु संरचना की व्याख्या करने में ये किरण यूज हो सकती है। दूसरी बात, ये एक्स किरण उत्पादन में काम करती है। जब कैथोड कंपनदर्शी में जब हम उच्च आवृत्ति का प्रकाश, उच्च आवृत्ति का इलेक्ट्रॉन या बीटा कण यूज करें, जब उसे दृढ़ या पूर्ण गलनांक
धातु पर डालते हैं तो नई किरण मिलती है, अदृश्य किरण जिसे हम एक्स किरण कहते हैं, उसके उत्पादन में इसका यूज करते हैं। गामा किरण का यूज करते हैं युग उत्पादन में, यानी पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को बनाने में। एक नोटिस हम आपको दिए हैं जो पेपर में पूछा जाता है कि सबसे अधिक वेदन क्षमता जो होती है वो गामा किरण की होती है, फाइनली किससे, अल्फा और बीटा से अधिक है ना, अल्फा बीटा से गामा किरण की वेदन क्षमता अधिक होती है। सबसे अधिक आयनिंग क्षमता होती है बीटा अल्फा कण की, किससे, बीटा और गामा से इसकी आयनन क्षमता ज़्यादा होती है, सबसे अधिक यही होती है दोनों तीनों में। सबसे अधिक वेग होता है गामा किरण की, किसके सापेक्ष, अल्फा और बीटा के सापेक्ष है ना, इनसे गामा किरण का वेग ज़्यादा होता है। सबसे अधिक प्रदीप्ति देती है अल्फा किरण, ठीक है, देख लेते हैं क्या आपको प्रदीप्ति जो देती है वो देती है सबसे कम गामा, तो अल्फा किरण सबसे ज़्यादा देती किससे, बीटा और गामा के सापेक्ष। क्लियर हो गया, बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगला हम देखते हैं रेडियो एक्टिव विघटन या क्षय, रेडियो एक्टिव जिसकी रेडियो एक्टिव क्षय या विघटन। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में स्वतः अल्फा कण और बीटा कण उत्सर्जित होते हैं, उनके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या बदल जाती है। अगर ये लोग होता है यानी अल्फा बीटा कण किसी रिएक्टिव पदार्थ से निकलते हैं तो उसके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या बदल जाते हैं, जिससे प्रारंभिक रेडियो एक्टिव परमाणु का क्षय होता है। इस घटना को रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं, यानी जब स्वतः किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा किरण उत्सर्जित होंगे तो जो परमाणु से उत्सर्जित होंगे उसका द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण जो है इस घटना को कह सकते हैं, इस घटना को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव परमाणु का क्षय। यह घटना क्या कहलाती है, रेडियो एक्टिव क्षय कहलाती है। याद रखिएगा, इस घटना के बाद नए तत्व का परमाणु बनता है, यानी जब देखिए यहाँ पर हम आप एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं कि यूरेनियम से अल्फा कण निकला तो थोरियम में कन्वर्ट हो गया, यानी यूरेनियम यूरेनियम नहीं रहा, अल्फा कण जब निकला तो किस में कन्वर्ट हो गया, थोरियम में कन्वर्ट हो गया। दूसरी बात, थोरियम से बीटा कण निकला तो पेंडियम में कन्वर्ट हो गया, और बीटा कण निकलता है तो न्यूट्रिनो निकलता है एंटीकण, ये भी दिख लेते हैं आप, ठीक है। एक चीज़ जानिए कि किसी भी रेडियो एक्टिव क्षय के बाद, यानी अगर रेडियो क्षय की क्रिया हो रही है, यानी कोई रेडियो एक्टिव परमाणु अपना अल्फा बीटा कण उत्सर्जन करके नया तत्व का परमाणु बना रहा है यानी क्षय कर रहा है, तो सबसे आखिरी परमाणु जो बनेगा वो लेड होगा। ये सबसे भारी, यह परमाणु सबसे भारी स्थायी तत्व के नाम पे जाना जाता है, या स्थायी रेडियो एक्टिव तत्व के नाम पे जाना जाता है, ठीक है। दूसरी बात, रेडियो एक्टिव क्षय जो है एक नाभिकीय प्रक्रिया है जो स्वतः होती है, इसे किसी भी कारक की आवश्यकता नहीं होती, स्वतः ही रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा कण निकलते हैं, इनके लिए कोई कंडीशन नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात एक और हम आपको दे रहे हैं, इस क्रिया या घटना पर ताप दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, बाहरी वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ता, ताप बढ़ाने या घटाने से उसका कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज़ आपको ये समझ में आ गई होगी, एक चीज़ आपको और क्लियर कर देते हैं कि अल्फा बीटा जो कण हैं आपके, इन्हें नाभिकीय कण कहा जाता है, नाभिकीय कण, क्योंकि ये नाभिक से उत्सर्जित होते हैं, ये नाभिक से उत्सर्जित होते हैं, है ना। अगर ये नाभिक से उत्सर्जित नहीं होते तो क्या करते, उसके परमाणु क्रमांक में कमी नहीं आती। देखिए ये जो एग्जांपल आपको दिया गया, जब अल्फा कण निकल रहा है उसका परमाणु क्रमांक चेंज हो रहा है, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, द्रव्यमान संख्या क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब ये है कि जब ये निकलते हैं तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में क्या आती है, कमी आ जाती है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं नाभिकीय कण, ठीक है। ये कहाँ से निकलते हैं, नाभिक से ही निकलते हैं। अब देखिए
ये आपकी थोड़ी छोटी थ्योरी है। यहाँ पे लिखा है रेडियो एक्टिव क्षय का नियम, क्षय या विघटन, इस नाम को एक और नाम देते हैं हम लोग विघटन, रेडियो एक्टिव विघटन या उसको क्षय का नियम है ना, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी गैस की। तो यह नियम रदरफोर्ड सोडी ने दिया था, ये बात याद रखना चाहिए, ये लास्ट तक चलते रहते रदरफोर्ड सोडी। तो इसमें देखिए इस नियम के अनुसार ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु के क्षय होने की दर, क्षय मतलब उसके मात्रा का समय के साथ परिवर्तन का दर, उस पदार्थ में उपस्थित परमाणु की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे किसी पदार्थ का अगर क्षय होने की जो दर है वो उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, यानी परमाणु संख्या जितनी बड़ी होगी यानी अधिक होगी उसका क्षय दर भी क्या होगा, अधिक होगा। तो ये नियम आपको समझ में आया, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु के क्षय होने की दर उस पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है ना। तो क्षय होने की दर प्रोपोर्शनल हुआ परमाणु संख्या के, ये डेल्टा एन बाई डेल्टा टी प्रोपोर्शनल एन, क्षय दर देखिए जब क्षय दर होती है तो उसकी मात्रा क्या होती है, घटती है, इसीलिए इसको हम ऋण लगाते हैं। जब अल्फा हटा के हम एक कांस्टेंट लगाते हैं लेमडा, तो ये लेमडा कांस्टेंट है, ये क्यों आया है, क्षय की क्रिया में आया है, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्षय नियतांक। इसका मात्रक होता है दिन इनवर्स, घंटा इनवर्स, वर्ष इनवर्स, जैसा हो ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कि रदरफोर्ड सोडी का क्षय नियतांक संबंधित या और विघटन संबंधित सूत्र है एन बराबर एन जीरो ई डेल्टा लेमडा टी ठीक है। इसका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं, मान लीजिए माना कि किसी समय टी पर उपस्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्या एन है ठीक है। जब हम टी से डेल्टा टी बढ़ाते हैं यानी ये परमाणु छः होगा ही, तो जब हम डेल्टा टी समय बढ़ाते हैं तो उसका जो समय के बाद इतने समय बाद उसकी परमाणु संख्या हो गई एन माइनस डेल्टा एन, यानी डेल्टा एन का छः हो गया ठीक है। तो छः नियम से क्या मिलेगा आपको, छः होने की दर प्रोपोर्शनल प्रारंभिक मात्रा, परमाणु की संख्या, परमाणु प्रारंभिक परमाणु संख्या। जब हम इसमें कांस्टेंट लगा देंगे तो ये आपका छः नियतांक आया डेल्टा एन बाई डेल्टा टी लेमडा एन ठीक है। तो ये माइनस आ गया, अब हम एन को इस तरह ट्रांसफ़र कर दें तो ये हो जाएगा डेल्टा एन बाई एन माइनस लेमडा डेल्टा टी। समाकलन करते हैं, समाकलन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि समय के साथ मात्रा बढ़ेगी। समाकलन करने पर क्या होगा कि लॉग एन इसका समाकलन, तो लॉग ई एन बराबर माइनस डेल्टा टी प्लस सी, ये हो गया सी इसमें समाकलन नियतांक है, ये बात भी समझ में आ गई। देखिए जरा ये हमने समीकरण एक बनाया, प्रारंभ में यदि समय जीरो हो, मतलब अगर समय जीरो होगा तो जो बची मात्रा है वो प्रारंभिक मात्रा होगी, यानी हम इसको कह सकते हैं कि वो प्रारंभिक मात्रा ही होगी, क्लियर हो गया। तो अगर हम ये कहें कि जब समय जीरो था यानी छः स्टार्ट नहीं हुआ था उस समय, समय जीरो था तो n प्रारंभिक मात्रा के बराबर होगी, तो इसमें ये समाकलन जो नियतांक आया है इसका मान हम आपको निकाल के पूरा समीकरण देना चाहते हैं। तो ये तो आपका समीकरण है, ये समाकलन नियतांक है, प्रारंभ में क्या होगा ऐसी कंडीशन होगी तो c बराबर हमारा आ जाएगा, ये t की जगह हमने जीरो रख दिया और n की जगह हमने n जीरो रख दी, ये n की जगह हमने n जीरो रख दिया, तो c बराबर हमारा ये आ जाएगा। अब इसका मान, ये c का मान यहाँ डाल दिए थी तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे हम इसका मान डाल रहे हैं तो यहाँ होगा log e n, ये आपका यहीं, और c की जगह पे हमने डाल दिया log n जीरो ठीक है। हम इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ऐसा दिखेगा आपको माइनस में, तो log में n n जीरो है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log नियम से, log नियम कहता है ना x माइनस अगर y है आपका तो हम इसको log x बाई वाई कर सकते हैं ठीक है, यानी log x log y अगर आ रहा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हो गया। log का अगर हम log अगर हटा रहे होंगे तो
तो ये जो बेस है आपका ई में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका बेस इस पे चला जाता है। अगर ये 10 रहता है तो 10 की घात होता है, ये इसका लॉग बेस, तो ये आपका आ जाएगा सूत्र। तो एन जीरो यहाँ चला जाएगा। ये आपका बिगटन सूत्र है 6 नियतांक के पद में बची मात्रा प्रारंभिक मात्रा के साथ। धन्यवाद, ये आपको वीडियो मिला आपका, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। ये वीडियो आपका क्या है, फर्स्ट पार्ट है। हम समझते हैं आपको समझ में आया होगा। दूसरे पार्ट में हम इसका और थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम एक वीडियो न्यूमेरिकल की डालेंगे। यानी कि आप टोटल 3 वीडियो में इस चैप्टर को पूरा पाएंगे। पहला आपको हमने दे दिया, पहला पार्ट आपका हो गया, सेकेंड पार्ट में थ्योरी आएगी और थर्ड पार्ट में आपका न्यूमेरिकल आएगा। अगर आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल जैसा होना चाहिए वैसा मिले, तो आप वीडियो पे कमेंट करें, जिससे कि आपको नए तरह का आपको वीडियो मिले। लाइक कर दें, धन्यवाद।